हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ब्लाउज कलेक्शन, जो कि आप जो हमारी हल्की फुल्की साड़ियाँ होती हैं और हैवी ब्लाउज, आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड में कि हैवी ब्लाउज होते हैं और हल्की सी साड़ियाँ होती हैं, तो किस तरीके से आप मैचिंग कर सकते हैं। और मैंने कुछ मीशो से मंगवाए थे, कुछ लोकल मार्केट से खरीदे हुए थे, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ब्लाउज कलेक्शन बहुत पसंद आने वाला है। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। और तो मैं जो आपको आज ब्लाउज कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, देख सकते सारे हैवी ब्लाउज है, कोई हल्का फुल्का नहीं है। देख सकते कुछ मीशो से मंगवाए हुए थे, कुछ लोकल मार्केट से हैं, तो मैं यही आप लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ। येलो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि आपने ये सिला हुआ था या मार्केट से मंगवाया था, तो डियर मैंने ये सिला हुआ नहीं था, इसको मैंने मीशो से मंगवाया था। और ये इस मीशो से मंगवाया था, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है 100 या 50 का, तो मुझे भी डिस्काउंट मिला था। तो ये मुझे 200 के समथिंग पड़ गया था, याद नहीं है सही से। तो देख सकते इस तरीके का है, इसमें इस तरीके से फ्रिल लगी हुई है। आप चाहें तो स्टिच वाल करवा, आप चाहें तो सिलवा सकते हैं इसी तरह से। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर नहीं लेना चाहते आप ऑनलाइन, तो आप सिलवा सकते हैं जो आपकी साड़ी का ब्लाउज हो। इस तरीके से फ्रिल लगी हुई है, देख सकते हैं आप। और इसमें ऊपर की साइड नेट लगा हुआ है और पीछे के साइड इसमें इस तरीके का गला दिया हुआ है, हुक्स भी इसमें पीछे के साइड दी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ से। और इस टाइप का एक गला है, तो इसको मैंने एक दो बार पहन भी लिया, आप लोगों ने देखा और मुझसे पूछा भी था, तो इसको मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और मुझे बहुत पसंद है। तो फर्स्ट ब्लाउज और दूसरा ये ब्लाउज जो दूसरा मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये ब्लाउज मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ था और ये मुझे 350 का पड़ा था, 350 रुपये का पड़ा था ये मुझे। और इसको मैंने एक लहंगे के साथ भी वियर किया है, पहना हुआ है, और ये मुझे 350 का पड़ा था, 350 हर सूट। ये मुझे 300 रुपये का पड़ा, 350 का पड़ा था, और रेड है, देख सकते हैं इसका जो कलर है रेड है। और आप इसको हैवी साड़ी या आप इसको हल्की फुल्की या हैवी साड़ी किसी पर भी पहन सकते हो, और इसका लुक ना बहुत प्यारा आता, देख सकते हैं आप पहनने पर। और इसको मैंने पहना हुआ भी है लहंगे पर, आप चाहें तो साड़ी पर भी पहन सकते, मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसका कलर भी ना बहुत प्यारा है, और पीछे की साइड देख सकते इसी तरह पीछे, और इसमें इस तरीके की चेन दी हुई है तरीके से, और इसकी चेन है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो जिस तरीके के पैसे हैं उस तरीके की ब्लाउज भी है, बहुत प्यारा लगता है ये ब्लाउज, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और दूसरा सॉरी तीसरा ये ब्लाउज देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी हैवी है, और ये मेरी साड़ी है काफ़ी महंगी, मैंने सिस्टर की शादी थी तो तब ली हुई थी, तो देख सकते इसका भी बहुत हैवी ब्लाउज है, और इसका मैंने सिलवाया था, और पीछे से बस देख सकते जो गला दिया हुआ था उसी का बना हुआ है, और ये भी बहुत प्यारा लगता है। इसको भी आप कई साड़ियों पे पहन सकते हैं, देख सकते हैं अगर आप हल्की फुल्की साड़ियों पे हैवी ब्लाउज पहनेंगे तो लुक ही चेंज हो जाता, तो आप इसको इस तरीके से वियर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मुझे तो ये भी बहुत प्यारा लगता। और फोर है ये भी देख सकते हैं आप, हैवी ब्लाउज, और ये भी जो इसकी जो साड़ी दी हुई है ना रेड है, और प्लेन मतलब कोई वर्क नहीं है, ओनली थोड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है, और पूरी प्लेन साड़ी है, बहुत प्यारी लगती है इसके साथ। और इसमें भी देख सकते बस सादा सा गला बनवाया था मैंने और कुछ नहीं, और बाजुओं पे नेट लगवाई थी। आप चाहें तो स्लीप आप यहाँ से चलने लगी, हाँ आप तो आप यहाँ से भी बनवा सकते, बट तब ऐसे नहीं चलती थी, काफ़ी पहले का ये ब्लाउज, तो आप इस तरीके से भी सिलवा सकते हैं, ले सकते हैं। और ये वाला ब्लाउज है, ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ था, इसकी जो साड़ी है ब्लैक है प्लेन, और आजकल अभी तक अधिकतर देखते होंगे अगर प्लेन साड़ियाँ होती है ना तो हैवी ब्लाउज होता है, और जो हैवी साड़ियाँ होती है उनका ब्लाउज हैवी नहीं होता, प्लेन होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये भी मैंने लिया होता, ये मुझे 250 का पड़ा था और 250 रुपये का पड़ा था, और मैं देख सकती इसी तरह बैक में भी इसका गला इस तरह दिया हुआ है, बाजू इसकी हाफ है, और ये भी मैंने लोकल मार्केट से खरीदा हुआ था, देख सकते।
तो आप इस तरीके का भी ब्लाउज ले सकते हैं, और ये कई साड़ियों पे चल जाते हैं, जो भी ब्लाउज हैं कई साड़ियों पे आप वेयर कर सकते हैं, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता। और जो भी ब्लाउज अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी हैवी साड़ी, हैवी ब्लाउज जो है वही है, सादा कोई भी ब्लाउज नहीं है। और एक ये भी मैंने यही लोकल मार्केट से लिया हुआ था। ये ऐसे ब्लाउज हैं कि आप किसी भी साड़ी पे वेयर कर सकते हैं, और कुछ नहीं, ये भी सादा है, सिंपल, कोई डिजाइन वगैरह नहीं है ज़्यादा, देख सकते हैं आप पीछे से गोल, तो इस तरीके से। और इसको आपने देखा ही होगा, ये मैंने कुछ समय पहले ही सिला हुआ था, मैंने ऑनलाइन एक साड़ी ऑर्डर की थी तो उसी के साथ आया हुआ था, तो इसमें मैंने देख सकते इस तरीके का डिजाइन बनाया, वी नेक बना है, और इसमें इस तरीके का देख सकते डिजाइन, जो कि आजकल बहुत चल रहा था तो मैंने भी बना लिया था। और इसकी बाजू भी मैंने इस तरीके से बनाई थी, और ये भी बहुत प्यारा लगता है, इसको भी आप कई साड़ियों के साथ पहन सकते हैं, देख सकते हैं बहुत प्यारा लगता है, ये सिलवा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड दोस्तों के साथ, और लाइक शेयर, सॉरी सॉरी अभी, और नेक्स्ट ये है देख सकते हैं, और ये भी मैंने लोकल मार्केट से खरीदा हुआ था। क्या होता है कि कहीं जाना होता है अर्जेंट में, अगर साड़ी खरीद लेते और ब्लाउज नहीं सिल पाते, तो इस तरीके से लिए हुए थे मैंने, तो एक ये भी लिया हुआ था। ये भी आपकी कई साड़ियों पे चल जाएगा, इसमें देख सकते हैं आप, इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है ब्राउन कलर का, और पूरा ब्लैक देख सकते हैं आप, हाफ स्लीव दी हुई है, और ये आगे की साइड है जो बटन लगी हुई है हुक, इसमें आगे की साइड है, और पीछे की साइड बस देख सकते इस तरीके का गला बना हुआ है। तो इस जो भी मैंने इतने सारे आपको ब्लाउज दिखाए, वो हर साड़ियों पे अधिकतर चल ही जाते, कुछ ही साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिस पर नहीं चलते, सारे हैवी दिखाए हैं। आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ, इतना टाइम देती हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर है।